हेलो बच्चों, प्रेम विद्या मंदिर हिंदी हाई स्कूल से किशोर सर 12th स्टैंडर्ड के लिए आज टॉपिक नंबर 5 लेके आया हूँ और ये चैप्टर नंबर 5 है। तो बच्चों, हम लोग को आज पढ़ना है और आई होप आपके वहाँ पे भी शांति होगी, हमारे यहाँ पे भी शांति है। और इसी प्रकार से हम पढ़ना शुरू करते हैं। पीढ़ी की वही में सारी संपत्तियाँ उनकी लागत कीमत से घिसाई घटाने के बाद लिखी जाती है। नए साझेदार के प्रवेश के समय इन संपत्तियों की वही कीमत की अपेक्षा बाजार कीमत कम या अधिक हो सकती है। इसी प्रकार कुछ संपत्तियाँ वही में दर्शाई न भी गई हो, दायित्व के संदर्भ में भी ऐसा बन सकता है। उसी वही में दर्शाई कीमत की अपेक्षा वास्तव में भुगतान पात्र रकम अधिक या कम हो सकती है। कुछ दायित्व की वही में न भी दर्शाया गया हो, नए साझेदार को उनके प्रवेश की तारीख तक के संपत्ति और दायित्व की कीमत में होने वाले परिवर्तन के परिणाम स्वरूप लाभ में भाग नहीं मिलेगा, ऐसा नुकसान भी उठाना नहीं पड़ेगा। इसीलिए नए साझेदार के प्रवेश के समय संपत्ति और दायित्व का पुनः मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रकार के पुनः मूल्यांकन की हिसाबी असरी देने के लिए पुनः मूल्यांकन खाता खोला जाता है, जिसके लाभ हानि समायोजन खाता भी कहते हैं। नए परिवर्तन उसमें परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होने वाले शुद्ध हानि या शुद्ध लाभ पुराने साझेदारों के बीच पुराने लाभ हानि के प्रमाण में बांटा जाता है। संपत्ति और दायित्व के पुनः मूल्यांकन का लेखा दो रीतियों से किया जाता है। पहला, जब संपत्ति और दायित्व को उनके नए मूल्य से नई पीढ़ी की बही में दर्शाया जाए तो पुनः मूल्यांकन खाता, और जब संपत्ति और दायित्व के उनके पुराने मूल्य से ही पीढ़ी में रखा जाए तो उसको कच्चा मूल्यांकन खाता कहते हैं। पहली रीत, जब संपत्ति और दायित्व उनके नए मूल्य में नई पीढ़ी की बही में दर्शाया जाए तब। इस रीत में संपत्ति और दायित्व की कीमत में होने वाले परिवर्तन पुनः मूल्यांकन खाते या लाभ हानि समायोजन खाते लिखा जाता है। इन पुनः मूल्यांकन या लाभ हानि समायोजन खाते के लाभ या हानि पुराने साझेदारों के बीच उनके पुराने लाभ हानि के प्रमाण में बांटी जाती है। पुनः मूल्यांकन खाता या उपज खर्च खाते का ही प्रकार है। पुनः मूल्यांकन खाता संपत्ति होने वाली कमी से और दायित्व में होने वाली वृद्धि से उधार किया जाता है, और संपत्ति में होने वाली वृद्धि से और दायित्व में होने वाली कमी से जमा किया जाता है। पुनः मूल्यांकन खाता बंद करते समय उसका अंतर जमा शेष या हो या लाभ अंतर उधार शेष हो तो हानि दर्शाता है। पुनः मूल्यांकन खाते का लाभ या हानि पुराने साझेदारों के बीच पुराने लाभ हानि के प्रमाण में बांटा जाएगा, और नई पीढ़ी के पक्की तलपट में संपत्ति और दायित्व उनकी नई कीमत में दर्शाई जाएगी। संपत्तियों के पुनः मूल्यांकन और दायित्व के पुनः आलंकन के परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तन की हिसाबी प्रविष्टियाँ निम्नानुसार है, जो इस संदर्भ में पाठ 4 में भी हमने स्पष्टता की है। तो बच्चों देखते हैं, हम जब संपत्ति की कीमत में वृद्धि हो तब संबंधित संपत्ति खाता उधार पुनः मूल्यांकन खाते का, जब संपत्ति कीमत में कमी हो तो पुनः मूल्यांकन खाता उधार संबंधित संपत्ति खाते का, जब देनदार पर डुबती अनामत बट्टा अनामत वगैरह का प्रावधान करना हो तो पुनः मूल्यांकन खाता उधार डुबती अनामत खाते का, देनदार बट्टा अनामत खाते का, आय मिलनी बाकी हो, अग्रिम चुकाया खर्च हो या किसी नहीं लिखी संपत्ति का लेखा करना हो तो मिलना बाकी आय खाता उधार अग्रिम चुकाया खर्च खाता उधार संबंधित संपत्ति खाता उधार पुनः मूल्यांकन खाते का। 5th नंबर में, जब दायित्व की रकम में वृद्धि हो तो पुनः मूल्यांकन खाता उधार संबंधित दायित्व खाते का, और जब दायित्व में कमी हो तो संबंधित दायित्व खाता उधार पुनः मूल्यांकन खाते का। 7th नंबर में, जब बही में नहीं लिखे दायित्व का चुकाना बाकी दायित्व का लेखा किया जाए तो पुनः मूल्यांकन खाता उधार संबंधित दायित्व खाते का, चुकाना बाकी दायित्व खाते का। 8th, जब पुनः मूल्यांकन खाता बंद किया जाए हो तब पहला ए पुनः मूल्यांकन खाता का लाभ हो तो पुराने साझेदारों के बीच पुराने लाभ आने के प्रमाण में बांटा जाए तब पुनः मूल्यांकन खाता उधार पुराने साझेदारों के पूंजी खाते का। बी पुनः मूल्यांकन खाते की हानि हो तो पुराने साझेदारों के बीच पुराने लाभ आने के प्रमाण में बांटी जाएगी। पुराने साझेदारों के पुराने साझेदारों के पूंजी खाता उधार पुनः मूल्यांकन खाते जमा। तो बच्चों, इसी के साथ हम पहले एग्जांपल नंबर 18 समझेंगे। पटेल और शाह 3:2 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाला एक पीढ़ी के साझेदार है। तारीख 31/3/2016 के दिन उनकी पीढ़ी की पक्की तलपट है। तो बच्चों, पक्की तलपट में हम देखें तो पूंजी दायित्व के पक्ष में पूंजी पटेल और शाह के दोनों मिला के 2,50,000 लोन ली है उन्होंने 1,00,000 के, लेनदार उनके 80,000 के हैं, देनी हुंडी उनकी 20,000 की है और चुकाना बाकी खर्च है 30,000 का। सामने संपत्तियों की बात करते तो पेटेंट उनका 10,000 का है, जमीन मकान 1,40,000, यंत्र 70,000, फर्नीचर 80,000, मोटर कार 1,20,000, स्टॉक 40,000, और देनदार में से अगर डूबत ऋण माइनस कर दो तो 20,000 के हमारे देनदार बचते हैं। लिखा यह है, तारीख 1/4/2016 के दिन उन्होंने रावल
को एक भाग में पांच भाग देकर नए साझा के रूप में प्रवेश पेड़ी में प्रवेश निश्चित किया है। रावल पूंजी के रूप में 2 लाख रुपए लाएगा। साझेदारों को संपत्ति और दायित्व का पुनर्मूल्यांकन करना है, जिसमें पहला जमीन और मकान की कीमत 20% वृद्धि करनी है, यंत्रों की कीमत में 10% कमी करनी है, फर्नीचर की कीमत में 60% गिनना है, मोटर कार पर 20% घिसाई गिननी है और देनदारों पर 5,000 का डूबते नमक रखना है। नेक्स्ट, पेटेंट की कीमत 0 रखनी है, लोन पर 6,000 ब्याज चुकाना बाकी है, देनदार और देनी हुंडी पर 10% रकम चुकाना पड़ेगा और बही में नहीं लिखे विनियोग का मूल्य 20,000 निश्चित हुआ है और 10वां समायोजन है लाभ हानि खाते के उधार किया बीमा प्रीमियम 30,000 में से 10,000 आने वाले वर्ष के लिए है। तो बच्चों यहाँ पे इसका रोजनामचा दिया गया है। पहली एंट्री का रोजनामचा यहाँ पे लिखा होगा जमीन मकान की कीमत में 20% वृद्धि। जब वृद्धि करते हैं तो हम लोग कितने हैं जमीन मकान खाता होता है पुनर्मूल्यन खाते का 28,000। 20% कैसे, यहाँ पे जमीन मकान कितना 1,40,000, उसका 20% लेंगे तो कितना हो जाएगा 28,000 आएगा। बच्चों आपको ये दोनों खाते बना के आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। आपको पुनर्मूल्यन खाता बनाना है, उसके बाद तुरंत साझेदारों का पूंजी खाता बनाना है, उसके बाद तुरंत आपको जमीन मकान से करके आपको पक्के तल पर बनानी है। तो देखो यहाँ जमीन मकान 1,40,000 प्लस वृद्धि 18,000 28,000, तो आपको 1,68,000 आ जाएगा। और एंट्री ये है जब जमीन मकान यानी संपत्ति में वृद्धि होती है तो हम लोग लिखते हैं उसको पुनर्मूल्यन खाते के जमा में, ठीक है। और अगर दूसरा, अगर यंत्र में कमी होती है तो हम लिखते हैं इस तरफ, फर्नीचर में कमी हो तो इस तरफ, मोटर कार में कमी हो तो इस तरफ, लेनदारों में कमी हो तो इस तरफ यानी कि जमा तरफ, देनी हुंडी में कमी हो तो 2,000 इस तरफ, विनियोग में वृद्धि हो तो इस तरफ, अग्रिम चुकाया बीमा प्रीमियम हो तो इस तरफ, क्योंकि वो हमारी संपत्ति। इस प्रकार से आपको इस सवाल का आंसर प्राप्त करना है। ये कौन सी विधि है, ये आपकी विधि है कि पुनर्मूल्यांकन खाता नई रीत से बनाना, यानी पुनर्मूल्यांकन खाता बनाना जिसमें सारे खाते नई कीमत से दर्शाए जाते हैं।